हम लोग का सबसे प्रमुख मुद्दा जो शिक्षा कर्मी के लिए विज्ञापन जारी किया गया था उसके लिए जो प्रतीक्षा सूची में अभी पद रिक्त है उनकी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराना है। ये उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसे ही हो रही थी, लोकसभा चुनाव के बाद में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी करके वहाँ से आश्वासन दिया गया था। हमारे बीच में जितने भी साथी यहाँ उपस्थित हैं सभी का नाम प्रतीक्षा सूची में है। मात्र इन लोगों को नियुक्ति आदेश देना है, स्कूलों में ज्वाइन करना है। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है लोकसभा चुनाव निपटने के बाद में भर्ती होगी करके हम लोग बहुत बड़ी आशा लेके बैठे थे। चुनाव जैसे ही निपटा वहाँ पर से भर्ती प्रक्रिया में अतिशय शिक्षक बताकर रोक लगा दी गई है, जो कि सर्वथा गलत है। और ये हम लोगों को ऐसा व्यतीत होता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में मात्र वोट बैंक की राजनीति के लिए ही विज्ञापन जारी किया गया था और ये शिक्षित बेरोजगारों के साथ में छलावा किया जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। डीएड संघ के माध्यम से हम लोग एक दिवसीय धरना पर सांकेतिक धरना दे रहे हैं, शासन प्रशासन को इसने अवगत करा रहे हैं। अगर नहीं मान्य होता है तो हम लोग हाईकोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और जहां अंतिम लड़ाई तक होगी हमारे साथ, जहां पर हम लोगों को अधिकार मिल पाएगा वहां तक की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है सरकार को। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जितना भी प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित है, आपके पास रिक्त पद दर्शाया भी गया है, उसी रिक्त पद में इन लोगों की जल्दी से जल्दी नियुक्ति होनी चाहिए। और जो रोक लगी है पंचायत को धार मान के नगरीय निकाय में जो रोक लगाया गया वो सर्वथा गलत है। नगरीय निकाय की जो भर्ती प्रक्रिया अति शीघ्र चालू होना चाहिए, हमारा प्रमुख मांग। बड़ा अच्छा दिन आया है। संतोष कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ डीएड, प्रशिक्षित संघ।